नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। पिता के साथ बाइक पर जा रही 5 साल की मासूम बच्ची के लिए चाइनीज माजा बना जान का दुश्मन। चाइनीज माजे से गर्दन कटने के चलते मासूम बालिका गंभीर रूप से हुई घायल। महाराणा भोपाल चिकित्सालय में चल रहा है मासूम बालिका का इलाज। पिता के साथ बाइक पर जा रही एक 5 साल की मासूम बच्ची की आज अचानक उड़कर आए चाइनीज माजे से गर्दन कट गई। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों की मदद से बच्ची को महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जिसको लेकर उसके पिता ने साफ किया कि बच्ची की हालत बेहद नाजुक है और वे प्रशासन से अपील करते हैं कि चाइनीज माजे पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो। हालांकि इस मौके पर एडीएम सिटी अशोक कुमार ने भी साफ किया है कि सरकार की ओर से चाइनीज माजे पर बिक्री प्रतिबंधित है और इसको लेकर आगे कार्रवाइयां की जाएंगी ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम ने कड़ा एक्शन लिया है। जिला प्रशासन और नगर निगम चाइनीज माजा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा और आने वाले दिनों में ये कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवर एसचार। जब बड़ी बहन ही सगी छोटी बहन का घर बर्बाद करने पर हो जाए आमादा तो आखिर कौन से रिश्ते पर किया जाए भरोसा और किस रिश्ते से की जाए उम्मीद। मामला कोटा जिले के मोड़क थाना क्षेत्र के सहरावदा गांव का है, जहां बड़ी बहन ने छोटी बहन का घर इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और जिलेटिन की छड़ों से उड़ाने का प्रयास किया। हालांकि पड़ोसियों ने विस्फोटों को देख लिया और पुलिस ने समय रहते विस्फोट होने से पहले ही साजिश को नाकाम कर दिया। असल में सहरावदा गांव में कुछ दिनों पहले ही राजेंद्र ठेकेदार की उसके साली से गांव के जानवरों को चुराने और गांव की एक लड़की को लड़के के साथ भगाने के मामले में तकरार हो गई थी और इसी बात का बदला लेने के लिए जीजा ने अपने ही साले का घर विस्फोटक से उड़ाने की विस्फोटक साजिश रच डाली। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में बड़ी बहन लक्ष्मी समेत कुल 3 गिरफ्तारियां कर ली है और लक्ष्मी के पति मुकेश की अभी भी तलाश जारी है। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कटारा। के नीम दरवाजे स्थित कृष्णा बाल घरे से भागे 3 बच्चों में से 2 बच्चों को किया गया दस्तयाब। वहीं एक बच्चे का नहीं चल सका पता, एडीएम सिटी के गोयल को सौंपी गई जांच। के कृष्णा बाल घरे से भागे 3 बच्चों में से 2 बच्चों को फरीदाबाद से दस्तयाब कर लिया गया है। वहीं यौन शोषण पीड़ित बच्चे के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बच्चे की तलाश के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने इस पूरे मामले की जाँच एडीएम सिटी के गोयल को सौंप दी है। के गोयल ने कृष्णा बाल घरे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सुरक्षा व्यवस्था माकूल नहीं थी और केयर टेकर गार्ड के बयानों के में विरोधाभास नजर आया। जांच अधिकारी के गोयल ने बताया कि जब संचालिका को बच्चों के पलायन की सूचना मिल गई थी तो उसके उपरांत लेट थाने में रिपोर्ट कराना और CWC को बताना इस बात को इंगित करता है कि घटना में लापरवाही बरती गई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच की जा रही है। एक बच्चे का पता नहीं चलने के बाद स्थिति गंभीर बनी हुई है। गौरतलब है कि 2 माह पूर्व इस बच्चे के साथ संचालक द्वारा यौन शोषण किया गया था। बताया जा रहा है कि बच्चे की जान को भी खतरा है। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। पंजाब से राजस्थान आ रहे दूषित जल को लेकर आज दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, सांसद निहाल चंद सहित बीकानेर संभाग के भाजपा के 7 विधायकों ने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान के 10 जिले इस समस्या से प्रभावित हैं। जल्द ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम पंजाब जाएगी और वहां पर जो स्थिति है उसको देखेगी। खास तौर पर जो ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जो प्रदूषण फैला रही हैं उनको आइडेंटिफाई करेगी। साथ ही शेखावत ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड अपशिष्ट जल का प्रबंधन करने की योजना बनाएगा। इस दौरान विधायकों ने भी अपने अपने सुझाव रखे। गौरतलब है कि राजस्थान के 10 जिले इससे प्रभावित हैं, जिसके चलते राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर और भाखड़ा नांगल सिंचाई तंत्र में जहर फैलता जा रहा है।
इसको लेकर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा था। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर पूनिया का कहना था कि 15 दिन के बाद फिर रिव्यू किया जाएगा। काफी अरसे बाद सार्थक दिशा में चर्चा हुई है। पहले भी केंद्र की मोदी सरकार सार्थक प्रयास कर रही थी, लेकिन पंजाब सरकार की हठधर्मिता में राजस्थान सरकार की उदासीनता के चलते दूषित पानी से चुनौतीपूर्ण संकट की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इसका 15 दिन बाद रिव्यू किया जाएगा और निश्चित रूप से पंजाब और राजस्थान की कांग्रेस सरकारों पर नैतिक रूप से दबाव बढ़ेगा, जिससे करीब 10 जिलों के 2 करोड़ लोगों को दूषित पानी से निजात मिल सकेगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिल्ली में हुई इस बैठक के जरिए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ये संदेश देने की कोशिश भी कर रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान के किसानों को लेकर भाजपा बेहद गंभीर है, तो साथ ही साथ उन्हें ये मौका भी मिला है कि राजस्थान और पंजाब की कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधें। अब देखना होगा कि 15 दिन बाद होने वाली रिव्यू मीटिंग में क्या वाकई केंद्र सरकार इस प्रदूषित जल का कोई ठोस हल ढूंढ पाएगी। और अब बात करते हैं अजमेर संभाग की, यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी जुलूस। अजमेर संभाग के नागौर जिले में पुलिस के लिए गुरुवार का दिन आज बागम बाग जैसा रहा, जहां पर पहले सदर थाना इलाके में खरनाल में 2 मासूम बच्चों की नाड़ी में डूबने से मौत की खबर आई, तो वहीं नागौर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मृतक युवक के शव को लेने से परिजनों के द्वारा इनकार करने को लेकर प्रशासनिक अमला आज दिन भर रहा व्यस्त। तो वहीं कुचामन में करंट लगने से युवक की मौत के मामले में कुचामन थाने के बाहर प्रदर्शन को लेकर दिन भर रही पुलिस बागम बाग में। गुरुवार सुबह नागौर के खरनाल में तालाब में 2 मासूमों का जीवन नील गया। दोनों मासूम बुधवार को मवेशी चराने गए थे। जानकारी के मुताबिक नाड़ी के पास गए बच्चों का पैर फिसल गया और दोनों बच्चे डूब गए। बुधवार देर रात्रि घरवालों ने दोनों बच्चों की तलाश करते रहे। गुरुवार सुबह ग्रामीणों को नदी के बाहर दोनों बच्चों के शव दिखाई दिए तो हाहाकार मच गया और सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन शव परिजनों ने निकाल लिए, मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर कोतवाली थाना इलाके के खींवसर के पास रहने वाले शहदेव नाम के युवक की मौत के मामले में जहां कल हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, आज दूसरे दिन परिजनों ने विरोध खत्म नहीं हो पाया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। परिजनों ने शव लेने से इनकार करते हुए धरना शुरू कर दिया। मौके पर समझाइश के लिए पुलिस और प्रशासनिक के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे और धरना जारी रखा। वहीं दूसरी ओर कुचामन में कल एक सेवदा कर्मी को विद्युत कार्य करते समय करंट लग गया, आज उसकी जयपुर में मौत हो गई। मामले में परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए कुचामन थाने के बाहर शव लेकर आ गए। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थानाधिकारी वरिष्ठाधिकारी ने समझाइश की और ठेकेदार से उचित मुआवजा की मांग करते रहे। वहीं नागौर में आज जनरल अस्पताल के बाहर परिजन भी उचित मुआवजा और नौकरी की मांग और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। वहीं कोतवाली थाना पुलिस की 3 टीमें अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही है। देखने वाली बात यह होगी कि नागौर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोचरी के बाहर धरने पर बैठे परिजनों को पुलिस किस तरह समझा पाती है। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौर। खुद को स्वस्थ रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस का आयोजन तो 21 जून को होना है, मगर जोधपुर के 10 से अधिक योग संस्थाओं ने मिलकर 15 जून से राष्ट्रीय योग उत्सव का जो आगाज किया, उसमें आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र जुड़े। साथ ही जोधपुर एम्स के निदेशक डॉक्टर संजीव मिश्रा भी इस योग कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि जोधपुर में जिस तरीके से योग प्रशिक्षक गजन सिंह परिहार और उनकी टीम में शामिल मीडिया प्रभारी प्रियंका झाबक की पूरी टीम ने मिलकर जोधपुर की 10 योग संस्थाओं को एक साथ जोड़ा और एक सप्ताह तक हजारों लोगों को योग के बारे में व्याख्यान के साथ साथ नियमित रूप से अभ्यास की जो कोशिश की, वह कहीं ना कहीं पार होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कई एक्सपर्ट लगातार 2-3 दिनों से जुड़ रहे हैं और 21 जून को जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में योग का प्रमुख कार्यक्रम होगा, मगर आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री के योग गुरु HR नागेंद्र ने संबोधित करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस काल में यदि योग नहीं होता तो परेशानी खड़ी हो सकती थी,
इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए योग ने महत्वपूर्ण काम किया है और दूसरी लहर से इसीलिए जल्दी पार आ गए हैं। इसी तरह एम्स के निदेशक डॉक्टर संजीव मिश्रा ने स्पष्ट किया कि भले ही वे एलोपैथी पर विश्वास करते हैं मगर योग अपना काम करता है। नियमित रूप से योग करने से आत्मविश्वास का संचार होने के साथ कई तरह की बीमारियों का इलाज भी योग के जरिए होता है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है इससे योग का प्रचार होगा और कहने के खुद को स्वस्थ रखने के लिए योग करना ही होता है। अगले चार दिनों तक होने वाले राष्ट्रीय योग उत्सव कार्यक्रम के दौरान राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के अलावा पद्मश्री निवेदिता कुमारी भी शामिल होने वाली है। साथ ही कई देश के जाने माने योग विशेषज्ञ भी इस उत्सव में शामिल होंगे। तो वही पश्चिम राजस्थान के अलावा कई राज्यों के योग प्रतिभा भी नियमित रूप से इस योग कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं।